hope you all are doing good. Welcome back to my channel. So, आज मैं आपके साथ 3 back to school DIY supplies share करने वाली हूँ because बच्चों के school reopen होने वाले हैं. So, I thought why not to share it. So, first one is the kit, यानी कि pencil case. Second one is the bunny पोटली, आई मीन आप अपने चॉकलेट्स, अपने टॉफीज उसमें रख सकते हैं. थर्ड वन इज द पेन होल्डर. और ये सब कुछ मैंने बनाया है सॉक्स से. यस, सो बिफोर स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यस मूव ऑन. सो सबसे पहले हम सॉक्स को दो पीस में कट कर लेंगे और बड़े वाले पीस से हम बनी पोटली बनाएंगे. मैंने एक वेलवेट लिया है जिस पर हम बनी की नोज़ और लिप्स को ड्रॉ करके कट कर लेंगे और आइज़ के साथ सॉक्स पर चिपका देंगे. अब ऊपर के रफ एजेस को ग्लू की हेल्प से फोल्ड करके चिपका देंगे. अब हम सेम वेलवेट को कट करेंगे और बनी के ईयर्स बनाकर सॉक्स पर चिपका देंगे. अब हम एक रेड रिबन लेंगे जिसको हम निडल की हेल्प से सॉक्स के अंदर से निकालेंगे और पोटली का थ्रेड बनाएंगे. नाउ पोटली इज रेडी. अब आप अपनी टॉफीज और चॉकलेट्स रख सकते हैं. नाउ सेकेंड इज पेन होल्डर विच इज़ वेरी ईजी. हम बचे हुए सॉक्स को यूज़ करेंगे. मैंने ये रेड कलर का बॉक्स लिया है, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं और उसके ऊपर हम सॉक्स को ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे. एंड नाउ पेन होल्डर इज रेडी. अब हम पेंसिल केस बनाएंगे. इसके लिए हम एक सॉक्स लेंगे जिसको हम एंकल लेंथ से कट करेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे. अब सॉक्स के ओपन एंड को हम एक थ्रेड की हेल्प से बंद करेंगे और उसके ऊपर ग्लू चिपका देंगे. अब हम एक चेन लेंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है. हम उसे ओपन करेंगे और उसको ग्लू की हेल्प से सॉक्स पर चिपका देंगे. मेक श्योर जो चेन का फ्रंट साइड है वो सॉक्स की साइड रहे. अब सूखने के बाद हम चेन के बीच में से सॉक्स को कट कर लेंगे और किट को सीधा कर लेंगे. अब जितनी भी एक्स्ट्रा सॉक्स है हम उसको कट कर लेंगे. अब मैं फिर से आर्टिफिशियल आईज और वेलवेट से बने हुए लिप्स यूज कर रही हूँ टू गिव इट अ फंकी लुक. सो आपकी पेंसिल केस, पेन होल्डर और बनी पोटली स्कूल के लिए रेडी है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस स्टे हैप्पी. आई विल बी बैक सून इन माय न्यू वीडियो. बाय बाय.